चिल्ड्रन टूडे वी विल डू एक्सरसाइज ऑफ चैप्टर नंबर सो लेट्स स्टार्ट चूज द करेक्ट ऑप्शन टू द फॉलोइंगशन ऑफ द साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ नॉर्थ से साउथ तक साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट का एक्सपेंशन कितना है कितना विस्तार है सो द करेक्ट आंसर इज सिक्स थाउजेंड सिक्स हंड्रेड फोर्टी किलोमीटर What is the lightest wood of South America? So, here is the options Valsa, Hyvia, Sincona and Highwood. So, the correct answer is Valsa. Valsa is the lightest wood of South America. Now, fill in the blanks. The South America as per area is blank big continent. So, we have to fill here 4th big continent. Now next most of the south america is in blank zone so the answer is tropical zone next blank is the second largest longest river of the world so the answer is amazon amazon is the second longest river of the world now next blank is the highest peak of the andes mountain so the answer is Nkaka An -gua. An Gua is the highest peak of the andes mountains now blank sea is in the north of south america so caribbean caribbean sea is in the north of south america now very short answer type questions so let's see what is a folded mountain this answer is in page number 140 यंग फोल्डेड माउंटेन्स आर दोज विच आर मेड बाय द प्रेशर्स जनरेटेड बाय द इंटरनल फोर्सेस ऑफ द अर्थ तो यंग फोल्डेड माउंटेन्स क्या हैं जो पृथ्वी की इंटरनल पावर्स हैं आंतरिक शक्तियां हैं उनके द्वारा अपोजिट डायरेक्शन में प्रीत दिशाओं में प्रेशर निर्मित होता है और उससे जो पर्वत बनते हैं वह कहलाते हैं यंग फोल्डेड माउंटेन्स Now, next question. What do you mean by water divider? This answer is in page number 140. This answer is in 142 page number. So, here is the answer water divider. The high mountain or plateau region where water of rivers flows into opposite direction. तो वाटर डिवाइडर वह है जैसे पृथ्वी का कोई भी ऐसा ऊंचा भाग या पर्वतीय हो या पठारी भाग हो उसकी नदियों का जल जब उससे बहता हुआ दो विपरीत दिशाओं में बह जाएगा तो वो कहलाएगा वाटर डिवाइडर अर्थ का कोई ऐसा ऐसा, आ, ऐसा आ, हाई माउंटेन और प्लेट्यू रीजन जहाँ से जो नदियों का जो जल है वो दो विपरीत दिशाओं में बह जाए अपोजिट डायरेक्शन में बह जाए वो Place Kahalaga water divider. Now, next question What is Gran Chaco? This answer is in page number 144. Here is the answer The region is covered with thick forest and grassland and is locally known as the Gran Chaco. Now, short answer type questions Write the latitude and longitudinal expansion of South America. This answer is in page number 138.

कैस्टीलोआ चिंकोना रोजवुड एंड डेट द रबर इज मेड फ्रॉम द। ये पूरा आपको यहां से लेकर के फाउंड इन दिस फॉरेस्ट तक नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन राइट द नेम्स ऑफ रिवर्स ऑफ लापलता बेसिन दिस आंसर इज इन पेज नंबर 142। और आप यहां से लिखेंगे द नेम्स ऑफ द रिवर्स ऑफ लापलता बेसिन आर पराना पराग्वे इन साउथ वेस्ट एंड वैलीज ऑफ ओरागवे रिवर्स नेक्स्ट क्वेश्चन हाउ पेंटागोनियाम डेजर्ट दिस आंसर इज इन पेज नंबर वन हंड्रेड फोर्टी टू एंड वन हंड्रेड फोर्टी फोर तो पेंटागोनिया के बारे में थोड़ा सा यहां से लिखेंगे पेंटागोनिया प्लेट्यू इन द सदर्न रीजन ये एक सेंटेंस फिर ये लिखेंगे द पेंटागोनिया प्लेट्यू है ड्राई डेजर्ट और फिर यहां से लिखेंगे इट्स क्लाइमेट इज ड्राई बिकॉज इट्स स्लाइस इन द रेन शेडो एरिया ऑफ द वेस्टर्न माउंटेन्स दिस एरिया इज ऑल्सो नोन एज रेन शेडो एरिया ये पेज नंबर 144 में यहां से यहां तक वन हंड्रेड पेज के दो सेंटेंस नाउ लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस डिस्क्राइब द क्लाइमेट ऑफ द साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट दिस आंसर इज इन पेज नंबर 142 हंड्रेड फोर्टी टू टू वन हंड्रेड फोर्टी फोर ये आपको पूरा क्लाइमेट के बारे में लिखना है ये क्लाइमेट है आपको ग्रेटर पार्ट ऑफ साउथ अमेरिका ये पेज नंबर 142 पेज नंबर 142 में के बाद 143 पेज नंबर 143 में ये पूरा यहाँ से लेकर पूरा यहाँ तक फिर पेज नंबर 144 पेज नंबर 144 में फर्दर साउथ से लेकर के नोन एज रेन शेडो एरिया यहाँ तक Now next question mention the features of the Andes mountain ranges, page number 140 and 142. 140 page में यहाँ से लिखना है the Andes mountain range have three ranges यहाँ से लेकर के 140 page से यहाँ तक और Lake of the World तक और पेज नंबर 142 में द एंडीज mountains से लेकर के पूरा एंडीज माउंटेन यहाँ तक नेक्स्ट क्वेश्चन राइट अ नोट ऑन वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ ऑफ साउथ अमेरिका पेज नंबर वन हंड्रेड फोर्टी फोर वाइल्ड लाइफ में आपको यहाँ से लिखना है साउथ अमेरिका यहाँ से लेके इन द वर्ल्ड यहाँ तक फिर द सेलवास से लेकर के इन दिस फॉरेस्ट यहाँ तक द रिवर्स यहाँ से लेकर के ऑफ बर्ड्स अप्रोक्स यहाँ तक और ये पूरा पैराग्राफ यहाँ से लेकर के यहाँ तक ऑन सदर्न साइड ऑफ द अमेजन से लेकर के ग्री चाको तक एंड उसके नीचे द कैटल रेयरिंग से लेकर के इज ऑल्सो फाउंड हियर यहाँ तक नेक्स्ट क्वेश्चन इन विच फिजिकल डिविजन साउथ अमेरिका हैव बीन डिवाइडेड डिस्क्राइब एनी वन पेज नंबर वन हंड्रेड फोर्टी ये आपको दिया गया है द साउथ अमेरिका इज डिवाइडेड टू फोर फिजिकल पार्ट एज पर इट्स सरफेस स्ट्रक्चर ये फोर पार्ट दिए गए हैं आपको इसी एक को डिस्क्राइब करना है तो वेस्टर्न कोसल बेल्ट वेस्टर्न माउंटेन ये दो आप इसमें ए, ए, मेंशन कर देंगे यहाँ तक सेंट्रल रीजन तक यहाँ तक आपको लिखना है नाव मैप स्किल स्टूडेंट्स यू हैव टू फिल द मैप ब्लैंक मैप साउथ अमेरिका का ये मैप है आपको भी एक मैप लेना है आप ड्रॉ कर लेंगे और उसके बाद ये सारे जो प्लेसेस हैं ये आपको उसमें ब्लैंक मैप में शो करने हैं और शो करके आपको अपनी कॉपी में फेयर कॉपी में पेस्ट करना है स्टूडेंट्स हियर इज योर चैप्टर नंबर फिफ्टीन इज फिनिश्ड इन द नेक्स्ट वीडियो वी विल स्टार्ट चैप्टर नंबर सिक्सटीन